ओह माय गॉड, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है। बिटकॉइन भी तो आई थिंक उसका जो बेस है वो ब्लॉकचेन ही है ना। ये वही रोड है जहाँ पर एक मिस हैपनिंग हुई थी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम वापस से उठ गए हैं सुबह जल्दी जल्दी। ये देखो बिल्कुल रात हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 4:45। मैं उठ गया था एक्चुअली 4:30, और देख रहे हो कितनी जब सुबह जल्दी उठ गए हैं। हमारा जो टेम्परेचर हो रहा है वो 12 degrees हो रहा है। तो लेट्स सी, ठंड में निकल जाते हैं हम सुबह सुबह राइड करने। कहाँ जा रहे हैं? अराउंड 40-50 kilometers जा रहे हैं आज हम। एंड देन नए राइडर्स हैं आज हमारे साथ, और देखते हैं कि क्या क्या नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। एवरी अदर राइड ब्रिंग्स यू विद डिफरेंट एक्सपीरियंसिस गाइज, सो जस्ट राइड, जस्ट राइड। सी यू ऑन द बाइक। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग, आ गए हम अपनी बाइक पर। कैसा फील हो रहा है? इट इज फीलिंग अमेजिंग गाइज। सो बस अब मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट राइडर से, जो कि रहते हैं एक ही सोसाइटी में रहते हैं, और बस वो मुझे यहीं पे मिलेंगे। विल वेट। गुड मॉर्निंग नैन जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग महेश जी, आप बताओ। बस बढ़िया बढ़िया, ऑल सेट। हाँ ठीक है, डन। सो ये हमारे नेक्स्ट राइडर मिस्टर नैन, जो कि हम साथ ही रहते हैं एक ही सोसाइटी में। आज हम नेक्स्ट सेकंड राइड करेंगे एक साथ। लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं, और वील सी यू ऑन द रोड। हाँ जी, क्या हाल चाल पब्लिक, आ गए हैं हम नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे हम थोड़े अपने हाथ खोल सकते हैं। आप अभी जस्ट मिले ही हो, वो राइड कर रहे हैं KTM ड्यूक 390। एंड देन अब जो हमारे नेक्स्ट राइडर है मिस्टर चिराग, जिनसे हम मिलेंगे अक्षरधाम के सामने, और ही इज ऑल्सो राइडिंग KTM RC 390, द सेम The beast, the one I am riding. और बस उनका कलर अलग है, ही इज एक्चुअली राइडिंग ए ब्लू कलर्ड वन, एंड आई एम राइडिंग ए इलेक्ट्रिक ऑरेंज ब्लैक वन। भी तो आई थिंक उसका जो बेस है वो ब्लॉकचेन ही है ना। वो हाँ, बिटकॉइन का जो बेस है वो ब्लॉकचेन ही है। हाँ, उसका जो टेक्नोलॉजी है हम लोग वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो कॉइन का जो बिटकॉइन जो है वैल्यू बढ़ता है जब हम उसको ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं। ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी कंपनी यूज करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो उस पॉइंट का वैल्यू बढ़ना शुरू हो गया। हम लोग अभी यूज कर रहे हैं इथेरियम का। अच्छा, एथेरियम का, एथेरियम का भी सेम बेस है? बेस नहीं, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा, ब्लॉकचेन का वर्जन 1 था, उसके बाद इथेरियम आया वर्जन 2 का। अच्छा, फिर उसके बाद कार्डानो आया है वर्जन 3। तो मतलब एथेरियम की जो ये टेक्नोलॉजी है वो आगे तो ग्रोइंग है ही, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो अच्छे हैं इनके ना। अभी तो बिल्कुल डाउन चल रहे हैं दोनों, वैल्यू चल रही है। अच्छा, जो वैल्यू है वो अप एंड डाउन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गए। हाय, गुड मॉर्निंग। रास्ते में देख लेते हैं कहीं पे, जहाँ पे फर्स्ट पेट्रोल पंप आएगा ना वहाँ पे चल जाएगा। तो भाई देखो, ये हमारे आ गए हैं नेक्स्ट राइडर चिराग, ही इज ऑल्सो राइडिंग KTM RC 390 2022। हमारी कन्वर्सेशन हुई मिस्टर नयन के साथ, थोड़ा सा हमें समझ में आया कि क्या होता है ब्लॉक चेन, क्या क्रिप्टो वगैरह होता है। सो
हेल्पफुल है गाइस, देख लो अभी तो बहुत डाउन चल रहा है, बट इफ यू लाइक टेक माय एडवाइस तो जस्ट इन्वेस्ट सम टाइम सम मनी इन दैट, आगे चल के उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हमें अभी मिस्टर नयन जो कि आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनसे हमें पता पड़ा है। तो देख लो यार, राइड करते हैं तो यही नहीं है कि बस राइड ही करते हैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट भी हम सीखते रहते हैं। बाय द वे गाइस, अभी चलते चलते मुझे याद आया, मैंने आपको बताया ही नहीं कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं। तो यार हम जा कहाँ रहे हैं, चलो अब इतना सस्पेंस हो गया तो अब थोड़ा और सही। सो गाइस मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा हिंट कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ मैं दिल्ली में 10 ईयर्स रहते रहते भी नहीं गया। यस, इट इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस इन दिल्ली NCR। जो दिल्ली NCR में रहता है वो कभी ना कभी यहाँ पे जाता ही है। और मुझे हो गए हैं 10 साल, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स दिल्ली में, और मैं अभी तक यहाँ पे गया नहीं हूँ। अगर अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट और दे देता हूँ कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स पंजाब। ये छोटा सा ही है हिंट भाई, बताओ। एंड वी आर टू कवर नाउ 43 किलोमीटर्स, और अभी हमें 46 मिनट दिखा रहा है। जस्ट कमेंट बिलो गाइस, बताओ मेरे को कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो अपडेट ये है गाइस कि हम आ गए हैं ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स, और अब हमें 24 किलोमीटर्स और जाने हैं। कैसा चल रहा है? ऑल गुड, मजा आ रहा है। थोड़ी सी ठंड लग रही है, हल्की सी। हाँ तो बस यही है सीन गाइस, हल्की ठंड लग रही है, बट इट फील्स वेरी गुड। सुबह राइड करने का मज़ा ही अलग होता है। सी यू ऑन द डेस्टिनेशन नाउ। वी वुड रिमेंबर दिस फॉर द लाइफ टाइम। अंकित का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जब वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द GB राइड। वी वर गोइंग सो गुड। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये सांड बहुत घूमते रहते हैं इस रोड पे। तो हाँ जी, हम हैं मूर्थल के आसपास। तो जिस ने मुझे सही कमेंट करके बताया होगा, आई विल सी दैट, मार्क दैट अप एंड विल गिव यू अ शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। वाह, मजा आ गया यार, क्या गाना चल रहा है। सीन ये है कि ये जो प्लेलिस्ट अभी चल रही है मेरी मोबाइल में, ये प्लेलिस्ट मैंने एक्चुअली ली थी अपने किसी फ्रेंड से। मैं क्या करता हूँ कि इन ऑर्डर टू गेट द न्यू सॉन्ग्स और न्यू प्लेलिस्ट, मैं अपने फ्रेंड से अपने प्लेलिस्ट वगैरह सॉन्ग्स वगैरह लेता रहता हूँ। सो दैट बोरिंग नहीं होता कि यार मैं एक ही गाने सुनता रहूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मेरे कुछ फेवरेट गाने हैं जो मैं उनको सुनता रहूँ जिंदगी भर। मेरे को चाहिए होता है चेंज, और मैं ऐसे ही करता हूँ कि भाई सबसे अपने उनके फेवरेट गाने ले लेता हूँ और उनको सुनता रहता हूँ। दैट्स हाउ इट इज। सो बहुत ही मस्त प्लेलिस्ट चल रही है। इफ यू आर वॉचिंग दिस तो जबरदस्त सॉन्ग चल रहा है यार, मेरे यारा तेरे हम सुधर जाएंगे। वाह यार, नाइट में बस जस्ट ट्यून इन टू योर सॉन्ग्स, जस्ट राइड इन द लॉन्ग ड्राइव। जी सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। अमृत सुखदेव हाजी, सपना देख रही है ना, आज मैं फाइनली आ ही गया, फाइनली। तो भाई गाइस अब हम आ गए हैं अमरीक सुखदेव। हमें ऑलमोस्ट लगे हैं 40 मिनट्स लगे होंगे, ज़्यादा तो नहीं। ये मिस्टर नयन, मिस्टर चिराग आए हमारे वसुंधरा से, और नयन आए हमारे सेम सोसाइटी से, सेम
तो अब देखते हैं। यहाँ की वाइब भी अलग है भाई, वाइब भी अलग है, ऑलमोस्ट हमेशा फुल रहता है ये। पहली बार आ रहा हूँ मैं, कभी प्लान नहीं कर पाया, तो सपना तो देख लिया, तो भी देख लिया, नेक्स्ट टाइम तेरे साथ ही आऊँगा मैं। सो गाइज, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है डन, फोटोज़ हमने क्लिक कर लिए हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने बैक टू वे बैक होम। मोस्टली सारे राइडर सब आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो अमृत सुखदेव से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, ये यू टर्न है, बस यहाँ से वापस से हम यू टर्न लेंगे, देन वी आर ऑन आवर वे बैक होम। दिस इज अमेजिंग गाइस, सन इज अप। जब हम आए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, रात थी, नाउ स्टार्टेड टू गेट सम वार्म फीलिंग, दिस फीलिंग इज अमेजिंग गाइस, जस्ट डू राइड। हियर इज अ लिटिल अपडेट, मैंने अपनी सेकेंड सर्विस करवाई थी अभी रिसेंटली, सेकेंड फ्री सर्विस, जो कि मुझे बहुत ही बड़ी, आई हैव डन विद इट विद वेरी मिनिमल कॉस्ट। तो मेरे को जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आई है सेकेंड सर्विस की, वो आई थी अराउंड 2400। तो इट्स नाइस गाइस कि KTM ने अपनी जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है, सो दैट दिस मेक दिस बाइक अ लिटिल बिट मोर अफोर्डेबल, सो इट्स वेरी नाइस। और ये मैंने अपना जो वाइजर है वो भी स्मोक करवा लिया था, इट कॉस्ट मी अराउंड 350 रुपीज, और इससे लुक बहुत ही अमेजिंग आ रही है। टू चेक आउट माई शॉर्ट्स एज वेल, वहाँ पे मैंने इसके कुछ वीडियोज एंड पिक्स डाली है। टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम हैंडल, ये देखो गाइस, यहाँ पे एक साउंड घूम रहा है देखो। तो जो भी हाईवे ले रहे हैं बाइकर्स वगैरह, थोड़ा सा ध्यान से चले। ऑन आवर वे बैक होम, हमें बता रहे हैं 1 hour 14 minutes, अभी बच रहे हैं सुबह के 1:15, पर आई थिंक हम 9:30 तक घर पहुँच जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की मॉर्निंग राइड, वी हैड कन्वर्सेशन रिलेटेड टू क्रिप्टो एंड व्हाट नॉट, बहुत ही ऑसम राइड रही है आज की हमारी। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, शोइंग मी सो मच ऑफ लव, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सपोर्ट, डू कमेंट, लाइक द वीडियोज इफ यू लाइक, एंड इफ यू डोंट लाइक हिट द डिसलाइक बटन एज वेल, मोस्ट वेलकम, एंड डू कमेंट कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, व्हाट एल्स आई कैन डू। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट राइड, नेक्स्ट ब्लू, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एंड लिव योर लाइफ, बाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। आज सुबह बज गए हैं वापस से 4। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग।